हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मेरा कुछ मज़ेदार सा चीज़ी सा खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं, तो मैंने ट्राई करी एक मज़ेदार सी पास्ता रेसिपी, जो बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में तो इतनी लाजवाब है कि आप उंगलियां भी खा जाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 टोमेटोज को कटिंग करके डाला, जिस तरफ से कटिंग किया है वो साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है, और उसके साथ ही मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं साबुत गार्लिक और साबुत लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को कवर करके हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे टोमेटोज जो हैं वो टेंडर नहीं हो जाते, यानी कि गल नहीं जाते और उनकी स्किन जो है वो ईजीली उतर नहीं जाती। ठीक है, ये थोड़ी देर में यह अमल हो जाता है, उसके बाद हम इसकी स्किन निकाल लेंगे और उसका पेस्ट बना कर रख लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और साथ ही उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया था और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। जैसे ही पानी मेरा बॉयल हुआ, मैंने उसके अंदर अपने पास्ता को डाल दिया। पास्ता मेरा अच्छा खासा से गल गया, 80% गल गया है, उसे मैं निकाल लूँगी। फिर मैंने एक और पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और उसके साथ मैंने चॉप गार्लिक डाला था और जो पेस्ट मैंने टोमेटो का बनाया था वो डाला, चिली फ्लैक्स डाले, सॉल्ट डाला और ब्लैक पेपर डाला। जनाब हमारा जो ये मिक्सचर है वो रेडी हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा पकाया है, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाता है, तो फिर हम इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास सपोज टोमेटो पेस्ट नहीं हो तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ भी ऐड की है। ये चीज़ ऐड करने से इसका टेस्ट थोड़ा और इन्हांस हो गया था, लेकिन अगर आप वो ना डालना चाहें तो इट्स ऑप्शनल। फिर मैंने अपने पास्ता को डाला जो मैंने बॉईल करके रख लिया था, और जनाब इन सब चीज़ों को दिया एक अच्छा सा मिक्स। जब ये सब चीज़ें मिक्स हुई हैं तो क्या मज़ेदार खुशबू आ रही है, और खाया जब इसे तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ स्प्रिंकल कर दी, उसके साथ कोरिएंडर लीव्स कर दिए, और जनाब ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता रेडी टू सर्व खाने के लिए तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है। आप अपने मेन्यू में एक और इजी टेस्टी डिलिशियस सी रेसिपी ऐड कर लीजिए, इन्जॉय करिए अपना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल भी करिएगा, मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, ताकि मैं इसी तरह मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए ट्राई करती रहूँ। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।